विकास प्राधिकरण अधिकारी शहर में हो रहे निर्माणों पर एक तरफा कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। शनिवार को प्राधिकरण के अधिकारियों ने एनजीटी के आदेशों का पालन करते हुए दयालबाग स्थित वंडर सिटी कॉलोनी में बन रहे 10 मकानों को ध्वस्त किया, तो वहीं 40 मकानों पर कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि आदेशों के तहत यहां करीब 50 मकानों को अवैध निर्माण के चलते नोटिस दिए गए थे। एनजीटी के आदेशों को लेकर विभागीय अधिकारी कार्रवाई के नाम पर अभी तक लीपापोती करते नजर आ रहे हैं। आपको बताते चलें कि गणपति बिल्डर का दयालबाग क्षेत्र में वर्ष 2013 में एक प्रोजेक्ट संचालित हो रहा था, तब से प्राधिकरण के अधिकारी तमाशबीन बने हुए थे। वर्तमान में यह प्रोजेक्ट मूर्त रूप ले चुका है। तब प्राधिकरण ने एनजीटी के आदेशों का पालन करते हुए 10 मकानों को ध्वस्त कर दिया, लेकिन प्राधिकरण के अधिकारियों ने ध्वस्तीकरण में भी लीपापोती कर दी। इन 10 मकानों पर तो ध्वस्तीकरण कर कागजी कार्रवाई को अंजाम दे दिया गया, परंतु अन्य करीब 40 को छोड़ दिया गया। जब इस बात का लोगों ने विरोध किया तो मौके पर मौजूद मीडिया ने सहायक अभियंता अनुराग चौधरी से इस बारे में जानकारी की, तो उन्होंने बताया कि डूब क्षेत्र में होने के कारण 50 मकानों के ध्वस्तीकरण के आदेश मिले हैं। 10 मकानों पर कार्रवाई की गई है, शेष 40 मकानों पर जल्द ही प्राधिकरण का महाबली गर्जेगा। यार कोर्ट को आने से मजबूरी है, एडीए का जुर्माना दे हुआ है, हम क्या करें? अरे आओ जाओ चल जाओ। हां ये हमारे जुर्माना बहुत है। चलो ओले 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 थोड़ा सा। आवाज़ जल्दी रोका।